But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. आज हम जा रहे हैं जिब्राल्टर, जो कि है ब्रिटिश की लास्ट कॉलोनी, वो उनकी जुरिस्डिक्शन में आता है। तो ये एरिया है यूरोप में पड़ता है, लेकिन ये पार्ट है यूके का और बिल्कुल स्पेन से नीचे आता है, स्पेन से बिल्कुल जुड़ता है ये। तो काफी क्रॉस कल्चर भी है यहाँ पे और काफी टेम्परेचर गर्म रहता है। तो जिन लोगों के पास भी वीजा नहीं है यूरोप घूमने का, तो वो इस जगह पे जा सकते हैं, क्योंकि यूके से वहाँ जाने के लिए आपको वीजा नहीं चाहिए। अगर आपके पास BRP है, जो कि बेसिकली यहाँ का रेजिडेंट परमिट है, तो आप बिना किसी वीजा के जिब्राल्टर भी जा सकते हैं। तो अभी हम लोग अपनी कैब का वेट कर रहे हैं और हमारी फ्लाइट है आज गैटविक एयरपोर्ट। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel. तो जी लैंड हो गए हैं जिब्राल्टर में और यहाँ हमें 2.5 घंटे लगे यहाँ पे पहुँचने में लंदन से। तो हमने कैब कर लिया होटल तक जाने के लिए और देखिए यहाँ पे जो ये रनवे लाइन है उसी के ऊपर रोड बनी हुई है, वहाँ से ही ये कैब निकलेगी। ये रनवे है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये। तो काफी छोटी कंट्री है ये, सिर्फ 34,000 आबादी है इस जगह की। तो यहाँ जिब्राल्टर में भी यूके पाउंड चलते हैं, लेकिन इनके अपने जिब्राल्टर पाउंड भी है, तो दोनों करेंसीज यहाँ पे चलती हैं। तो 10 मिनट में हम पहुंच गए अपने Airbnb में। यहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है, आप ईमेल से कोड यहाँ पे डाल के अपने कीज निकाल सकते हैं। तो यार सही है यार, रूम तो सही लग रहा है। इसमें माइक्रोवेव है, इसलिए हमने Airbnb लिया है ताकि हम यूज कर सकें किचन। काफी अच्छा नीट एंड क्लीन है। With you, स्विमिंग पूल कितना सुंदर और बढ़िया। I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand. तो आज हम जा रहे हैं उस रॉक के ऊपर और जाने का रास्ता है वो केबल कार। पर पर्सन टिकट है 34 pounds। सिर्फ केबल कार का नहीं है, वो रिटर्न केबल कार का है, प्लस आपको नेचर रिजर्व भी देखने को मिलेगा। तो आज आपको वही दिखाएंगे, तो उस टॉप पे जाके ऊपर एक्चुअली काफ़ी सारी जो भी अट्रैक्शंस हैं वो ऊपर ही है सारी, मतलब यहाँ पे जिब्राल्टर की मेन जो अट्रैक्शंस हैं वो रॉक के ऊपर है और उन सबका एक्सेस मिल जाएगा आपको इसी टिकट में। तो हमने वही वाली कर ली इकट्ठे ही, बजाय कि बार बार ये सब करते रहें। और बाकी केबल कार में लगेंगे सिर्फ 6 मिनट और वैसे अगर जाए बंदा, मतलब वॉकिंग ट्रेल्स भी करते हैं लोग या टैक्सी करके भी जाते हैं, बट उसमें भी बहुत टाइम लगता है। 2 घंटे हैं टैक्सी के और प्रैम का एक्सेसिबल नहीं है ऊपर ज़्यादा, क्योंकि पहाड़ी है आपको पता ही है। हाँ। और इसलिए आज हमने कैन शर्मा को बांधा हुआ है ऐसे। तो वो ब्रिज भी है जो हम देखेंगे। तो मौसम यहाँ पे पूरा प्रॉपर गर्म है, अच्छी खासी गर्मी है यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल बीच बट हवा चलती है सी से, तो अच्छा लगता है। हाँ, यूके के कंपैरिजन में गर्म है मौसम। कैन वो देख 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 How much distance is from the cave to the top? Like how much time? 15-20 minute walking. Okay. And there's a cafe up there? Sorry? Is there a cafe or? On the top station, yes. Yeah. There's another one at the cave, but I'm not sure if at this time it's still open, okay? Oh, okay. Thank you. Thank you. Thank you. That will be a cable car. Yes. This is a good thing about that. This is your touch. सामने और पीछे की साइड शीशे नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ साइडों में है। कितना नीला पानी है यार, कितना सुंदर लग रहा है ये। एंड वी आर ऑन द टॉप ऑफ द रॉक। क्या व्यू है यार, वाह मजा आ गया। अभी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे व्यूज के पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ पे, वहाँ देखने चलेंगे तो मज़ा आएगा, है ना? तो यहाँ पे ऐसी स्टोरीज भी फेमस हैं कि जब तक यहाँ पे एप्स हैं तब तक यहाँ पे ये ब्रिटिश कॉलोनी ही रहेगी। नॉट एग्जैक्टली कॉलोनी बट लीगल जुरिस्डिक्शन में फॉल करती है बेसिकली।
सही है, सामने तो बादल ही आ रखा है, बड़ा सुंदर लग रहा है ये सामने नज़ारा तो। हाँ कैसे बादल जा रहे हैं, क्लाउड क्लाउड आ गया क्या सामने, क्लाउड साइटिंग। ये कुछ टैक्सी टूर्स भी करते हैं लोग, तो ये टैक्सीज भी आ रखी है क्या क्लाउड में। क्लाउड में खड़े हैं हम लोग तो। इसके आगे नेक्स्ट हम जा रहे हैं स्काई वॉक की तरफ। नीचे कांच है और कांच के ऊपर आप खड़े हो सकते हैं और थोड़ा डरावना भी होगा। मंकीज की फोटो बड़े इंटरेस्टिंगली और अम्यूजिंगली कैप्चर कर रहे हैं, बट हम लोगों के लिए तो आम है, इंडिया में बड़े देखे हैं। हम तो एक लेके घूम रहे हैं। एक मंकी लेके भी घूम रहे हैं। ये पूरा ग्लास का बना हुआ है। यार डर भी लग रहा है, मतलब ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है तो। तुम्हें ही लगता ना इतना, क्या लग रहा है? Like walking on a normal road. No, for me, नहीं, it's quite thrilling, not a bit. डर क्या ही है? आप सोच रहे होंगे ये बैग्स आगे कलर के क्यों टंगे हुए हैं, तो यहाँ पे मंकीज है और उन्होंने हमें इंस्ट्रक्ट किया है कि अपने बैग्स जो है वो आगे की तरफ रखो, नहीं तो पीछे चढ़ जाएगा मंकी और ले जाएगा। और अभी एक क्या कहते हैं छोटा सा अटैक हो भी चुका है क्योंकि मैडम ने बनाना निकाल लिया था खाने के लिए, मतलब वो शांति से दीवार पे लग के इनको एक एक सेकंड का पता चल जाता है अगर आप छुपा के भी कुछ कर रहे हो। ये है स्काई वॉक का अपर डेक, ये है पूरा नजारा। आज मिक्स मौसम है, सनी है, बीच बीच में थोड़े क्लाउड्स भी आ जाते हैं, बट व्यू जबरदस्त है। हाँ भाई क्या कहना है फिर स्काई वॉक के बारे में? बढ़िया मजेदार जगह है, बिल्कुल रॉक की टिप पे खड़े हैं हम, ऊपर देखो मतलब इतना सा रास्ता है बिल्कुल, और उसपे भी कारें भी चल रही हैं, सब कुछ है यहाँ पे, अच्छा व्यू है काफी। तो ये सही बना रखा है इन्होंने, एक साइड तो सारा हार्बर है और रेजिडेंशियल एरियाज हैं और दूसरी साइड सारे बीचेस हैं, तीन चार कैटलन बे, सैंड बीच, तो सही है मतलब ना। यहाँ पे बेस था बेसिकली गन्स का वर्ल्ड वॉर के दौरान, यहाँ पे इसी बेस से एयरक्राफ्ट्स को उड़ाया जाता था। एक साइड बे ऑफ जिब्राल्टर है, एक साइड मेडिटेरेनियन सी है। अगली वो है सेंट माइकल केव, ये रास्ता है यहाँ से जाने का। एक्सक्यूज मी, do you know how far is Saint Michael's Cave from here? No idea, I'm afraid. I think it is. There was a sign for it that way. Have you been there? Oh no. I went there about 3 years ago, and that was in the car. Excuse me. Do you know how far is Saint Michael's Cave? They told me it's closed. Oh. Yeah. So we didn't even go down. It's open. I think it's open. It's a bit far. But you have to go down. Yeah. It's steep. Oh. So. Okay. You can try. इनका कहना है कि सामने है वो अफ्रीका दिख रहा है। यहाँ पे एक्चुअली पॉइंट बना हुआ है एक उसके लिए, वहाँ पे लाइट हाउस है और वहाँ से पूरा अक्रॉस जो है वो अफ्रीका दिखता है, तो ये भी यहाँ का एक अट्रैक्शन पॉइंट है, टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट कि एक तरफ स्पेन और एक तरफ अफ्रीका। नीचे जाने में तो दिक्कत नहीं लग रही हमको, लग रहा है कि ऊपर आएंगे तो पता चलेगा अच्छी तरह। ये नीचे जाने में दिक्कत लग रही है। टप की आवाज़ें भी आ रही है, बड़ी पुरानी केव्स है। ब्यूटीफुल। एक्चुअली इवेंट्स वगैरह होते हैं तो ये ऑडिटोरियम स्टाइल बना हुआ है, आज की डेट में भी यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, तो देखिए इसकी ब्यूटी, मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मुझे तो बहुत ही पसंद आई ये केव, मज़ा आ गया। आई थिंक हाइकिंग वर्थ इट थी, काफ़ी सही जगह है, ये पूरा गीला हो रखा है।
यार इस प्लेस को देख के लग रहा है कहीं और ही आ गया हूँ यार मैं। सही में इट्स सो अमेजिंग। पहले तो अंकिता चली गई उसमें माइकल्स केव में, मैं बाद में गया वहाँ कोई था ही नहीं और वो अंधेरा सा था और आवाज़ भी ऐसे डरावनी सी आ रही थी, मैं तो डर गया फिर। लेकिन उसके बाद थोड़े लोग आए, मैं उनके साथ ही चिपक चिपक के चल रहा था। ओएसिस फकिंग फेड, मतलब बहुत सही लगे मेरे को तो माइकल केव्स, मतलब मस्त एक्सपीरियंस था और वर्थ ही विजिट था। चाहे हमें मतलब काफ़ी मेहनत लग गई वहाँ तक जाने में, बट बहुत ही अच्छा है, मतलब मस्ट डू है जयपुर। सामने जो आप ब्रिज देख रहे हैं, विंडसर सस्पेंशन ब्रिज, एवरीथिंग शुड बी नेम्ड आफ्टर क्वींस थिंग्स। तो वो भी लोगों को, लोग जाते हैं वहाँ पे थ्रिल लेने के लिए, लेकिन काफी स्टीप है तो हम नहीं जा रहे हैं और प्लस बंदर बहुत हैं। एंड इट इज अ बिट नॉट सेफ विद द बेबी। तो अब है वापसी की तरफ की तैयारी। इसकी हाइट उससे बड़ी होगी ना। ये क्या एक्साइट हो जाता है ऊपर आते लाइक। Wow. And we are at the top of the rock. Too hot. अगर आप यहाँ आने का सोच रहे हैं और बच्चे के साथ हैं, we would prefer a taxi tour rather than this cable car tour. क्योंकि taxi पूरा रास्ता चला के लेके आते हैं, यहाँ आपको पहाड़ी चढ़नी उतरनी नहीं पड़ती।